देकर जब आपकी सरकार जाने लगी तो चिदंबरम ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 72 की डिमांड 2013 में और 14 में बजट में 500 करोड़ रुपए रख करके कह दिया कि हम आपकी वन रैंक वन पेंशन की डिमांड को पूरा करेंगे। मुझे मालूम नहीं यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गांव में पायता कहते हैं, कुछ नहीं दे शगुन रख दो और छुट्टी पा जाओ, कोई काम करने की जरूरत नहीं। और अगर उनकी सरकार आती तो वो शगुन का शगुन ही रह जाता, कोई काम नहीं होता। काम हुआ तो इसलिए हुआ कि 2014 में भारत का महान सपूत, देश का प्रथम सेवक सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को लागू करके दिया। यह बात हमको समझनी चाहिए। 20 लाख के आसपास हमारे सैनिक भाइयों ने इसका लाभ उठाया, 20.6 लाख, और उत्तराखंड में 1,16,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया और लगभग 42,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन के लिए दिया है। और पहली बार मिला तो मोदी जी के कारण मिला, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो राजनीति में विषयों को रख करके लोगों को गुमराह करते हैं, और कुछ ऐसे देशभक्त होते हैं जो अपनी सरकार को समर्पित करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।